नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है तकनीक में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरे पास आज है सिंबल का LI4278 1D वायरलेस बारकोड स्कैनर। यहाँ पर आप सिंबल देख रहे हैं, यहाँ पर कई बार हो सकता है जिब्रा लिखा हुआ आपको दिखे या मोटोरोला लिखा हुआ दिखे। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज इन सभी ब्रांड का ओनर जो है अब जिब्रा टेक्नोलॉजीज है। खासतौर से इस बिजनेस सेगमेंट की बात करें, इस बिजनेस सॉल्यूशन की बात करें, तो सिंबल, सिब्रा, मोटोरोला आर नाउ ओन बाय जिब्रा टेक्नोलॉजीज। तो यहाँ पर आपको हो सकता है कभी सिंबल दिखे, कभी जिब्रा दिखे, कभी मोटोरोला दिखे। कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये सेम चीज है और सेम कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर है। चूंकि ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह है हमारे पास हैंडल डिवाइस। ये जो है पर्टिकुलरली वेयर हाउसेज वगैरह में ज्यादातर यूज होता है, जहाँ पर गोडाउन आपका पूरा ओपन रहता है और वहाँ पर आप कबन का जो है रोम करके जो है काफी सारे बारकोड्स के डेटा जो है कलेक्ट करके आपके स्क्रीन पे या आपके सिस्टम पे जो है इमीडिएटली ट्रांसफर करता है। ये क्रेडल है LI4278 का, सॉरी ये स्कैनर है LI4278 का, और ये रहा उसका क्रेडल। क्रेडल आप देख सकते हैं इस समय कनेक्टेड है सिस्टम से, तो यहाँ ग्रीन लाइट आ रही है। और ये जो है एक USB केबल है जो कि यहाँ से कनेक्टेड है क्रेडल के पीछे से, और वो USB पोर्ट पे कनेक्ट है सिस्टम के। आप इसे सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं, लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं, और कभी मन करे तो अपने स्मार्टफोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी पेयरिंग के लिए एक कोड आता है जिब्रा की गाइड LI4278 की, आप ढूंढ सकते हैं गूगल पे, इंटरनेट पे, और वहाँ पर जाकर के आप पर्टिकुलर कोड्स को स्कैन कीजिए। ये जो है उस मोड में चला जाएगा, फिर आप अपने सिस्टम में स्कैनर को जो है अपने स्मार्टफोन से पेयर करके डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, डेटा रीड कर सकते हैं। ये रही इस प्रोडक्ट की मेन फीचर। और जो दूसरी मेन फीचर है, जो लोग पूछते रहते हैं कि भाई ये कितना कवर करेगा, ये कितना एरिया कवर कर सकता है अपने रेंज में, तो आपको बता दूं मैं इसमें कि नॉर्मली ये जो रेंज कवर करता है वो 15 मीटर से लेकर के 20 मीटर तक कवर करता है। ओके, लेकिन अगर आपका ओपन स्पेस है, वाइड ओपन स्पेस है, तो ये जो है 100 मीटर तक भी कवर करता है। ये आपको ध्यान रखना होगा कि कंस्ट्रेंट्स बीच में नहीं आने चाहिए, जैसे कोई बॉक्सेस का वॉल बना हो या सीमेंट की या कॉन्क्रीट की वॉल बनी हुई हो, तो वो सब लिमिटेशंस हैं इसकी, जिसकी वजह से ये जो है इमीडिएट आपको जो है रिजल्ट नहीं देता। फिर भी अगर आप 15-20 मीटर की रेंज के बाहर अगर चले जाते हैं और वहां पर जाकर के डेटा स्कैन करते हैं, तो डेटा उस समय ट्रांसफर हो जाएगा जैसे ही आप उस रेंज में आते हैं। मतलब 15 मीटर की रेंज में जैसे ही आएंगे, वैसे ही आपके सिस्टम में सारे डेटा जो है फ्लो हो जाएंगे। तो आपको डेटा के लिए चिंता नहीं करनी है, डेटा आपका सेव रहता है। इसमें मेमोरी, अच्छी खासी मेमोरी है, जिसमें आप हजारों के करीब डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं, और जैसे ही आप सिस्टम के पास जाते हैं, रेंज में जाते हैं, वैसे ही सारा फ्लो आउट हो जाता है और ये मेमोरी वापस आपकी रेडी रहती है नए डेटा को फीड करने के लिए। आइए अब हम कुछ बारकोड स्कैन्स करके देखते हैं कि ये किस तरह से रीड करता है। मैं एक नोटपैड खोल लेता हूं सिस्टम पे, आप नोटपैड की ओर देख सकते हैं। मैं कुछ बारकोड्स को अभी रीड करने वाला हूं। इसका स्कैनर यानी स्कैन इंजन जो है काफी अच्छा है, काफी मजबूत है, और ये काफी इफेक्टिव है। इसकी वारंटी जो है आपको 36 महीनों की यानी 36 मंथ्स की मिलती है जिब्रा टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरर की ओर से, क्योंकि ये जो है काफी अच्छे से काम करता है और काफी लंबा चलता है। मैं थोड़ा रेंज के बाहर जाने की कोशिश करूंगा और वहां जाकर के डेटा को रीड करता हूं, देखता हूं ये ट्रांसफर कैसे होता है, आपको दिखाता हूं थोड़ी देर में।
आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पर जो है ये डेटा सारे जो है फीड होते रहे, और जब मैं रेंज के बाहर रहा तो डेटा एक साथ कुछ देर के लिए पॉज हो गए, और जैसे ही मैं रेंज में आया वैसे ही डेटा जो है इमीडिएटली ट्रांसफर होना शुरू हो गया। इसकी बैटरी बैकअप भी काफी अच्छी है, लगभग एक आपको कुछ घंटों रखना पड़ता है, 2 से 3 घंटे आप रखते हैं इसे इस तरह से चार्जिंग पे क्रेडल के ऊपर, इस तरह से चार्जिंग पे क्रेडल के ऊपर जब आप रखते हैं। आप फिर से देखिए कि कैसे रखा हुआ है, ये हाथ में लिया मैंने और क्रेडल पे इसे कनेक्ट किया, और आप देख सकते हैं ये एक बीप देता है, फिर उसके बाद आप ग्रीन लाइट यहां पर जलते हुए देख सकते हैं स्कैनर के ऊपर, और ये 2 से 3 घंटे आप फुल चार्ज इसे कर सकते हैं, और फिर जो है पूरे दिन का आप इस पे काम निकाल सकते हैं, और फिर अगले दिन जब यूज करना हो तो आप इसे चार्ज करें और फिर उसे यूज पे ले आए। नॉर्मली ये स्कैनर जो है वेयर हाउसेस, ओपन गोडाउंस जो होते हैं वहां पर यूज होते हैं, या फिर कई बार लोडिंग डिस्पैचिंग के टाइम में भी ये स्कैनर जो है काफी काम आता है। और ज़िब्रा की ओर से जैसा मैंने पहले भी बताया कि 36 महीने की 36 मंथ्स की वारंटी मिलती है, तो आपको ये काफी अच्छा इसकी काफी अच्छी ड्यूरेबिलिटी है और आपको काफी लंबे समय तक ये जो है आउटपुट देता रहेगा। और इस बारे में आपके कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरह के तो आप जो है लिखना ना भूलें, यहाँ पे कमेंट कीजिए, मैं या मेरी टीम में से कोई भी आपको जरूर इस पे रिस्पॉन्ड करेगा, और हम चाहेंगे कि आप अगर इसे खरीदना चाहते हैं तो आप cartkar.com, उसका लिंक जो है नीचे भी लिखा हुआ है, cartkar.com पे आप जाकर के इसे ऑर्डर कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। नॉर्मली ये इंडिया में अवेलेबल रहता है, लेकिन कभी कभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के इश्यूज की वजह से जो है डिले हो जाता है, नहीं तो ये मैक्सिमम टाइम अवेलेबल रहता है। लेकिन अगर इंडिया में नहीं है और अगर आपको वेट करने को बोला गया है तो फिर समझ लीजिए आपको 4 से 6 हफ्ते लग जाएंगे नए स्टॉक को इंडिया में आने में, लेकिन ये चूंकि एक रनिंग आइटम है मार्केट में इजिली अवेलेबल है तो आपको हर समय ये अवेलेबल मिलेगा। आप ऑथराइज्ड डीलर से ये बहुत ही अच्छे दाम में खरीद सकते हैं। इसका प्रोडक्ट प्राइस कुछ रेंज करेगा आपको 15,000 से लेकर के 18,000 तक में, ये आप पे डिपेंड करता है आप कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं। अगर ज्यादा क्वांटिटी खरीद रहे हैं तो ऑब्वियस है आप वहां पर आप वेंडर से जो है प्राइस नेगोशिएट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद जो है आप उसे अपने अच्छी डील करके आप इसे प्रोक्योर कर सकते हैं। तो ये रहा आपका पूरा, आज मैंने जो LI4278 का डेमो दिखाया, आपकी जो क्वेरीज हैं जैसा मैंने पहले कहा आप वहां पर कमेंट कीजिए, और डू विजिट आवर वेबसाइट टू बाय दिस प्रोडक्ट ऑन cartkar.com। थैंक यू वेरी मच।